हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप सबके पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो ज़रूर होगा, और जिनके पास नहीं होगा उन्होंने कभी चलाया तो ज़रूर होगा। तो गाइस, बहुत से लोगों के सवाल ये होता है कि वो लैपटॉप में इंस्टाग्राम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बताऊँ कि आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप इंस्टाग्राम कैसे यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आप अच्छे समझ जाओ। और जो लोग भी चैनल पर नए हों या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग डेस्कटॉप पे हैं और हम लोग अपने क्रोम पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टाग्राम सर्च करना होगा। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर क्लिक किया, आपके सामने ये लिंक्स आ गए। आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम डालना है, जो भी आपका यूज़र नेम हो, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिंपली पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड आप टाइप कर सकते हैं, अगर आपने का पासवर्ड नहीं पता तो आप FB से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है, तो जैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा ओपन हो चुका है, और यहाँ पर इस तरीके से इसका इंटरफेस है। तो अगर आपको प्रोफाइल किसी की लाइक करनी है तो यहाँ पर आप लाइक इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप लाइक वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर डबल क्लिक करेंगे माउस से या फिर टच पैड, तो यहाँ से आपकी लाइक हो जाएगा। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो देखिए यहाँ पे लाइक वाला ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा। और भी अगर आप कमेंट वगैरह करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली कमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कमेंट का अलग से सेक्शन खुल जाएगा। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर एक्सेस करने को मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होने में टाइम लगता है, और ये इस तरह में आपकी नेट की स्पीड के ऊपर है कि आप कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं, यहाँ से आप चैट वगैरह कर सकते हैं अगर आपको करनी हो। अगर आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है तो प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। यहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, रील्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कितने व्यूज़ हैं, क्या है, यहाँ से आप वो सब चेक कर सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप ये सब चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। और अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ये बिल्कुल फ़ोन वाले इंस्टाग्राम के तरीके आपका यूज़ चलेगा। और अगर आपको अपने दूसरा अकाउंट खोलना हो तो यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हो। सिंपली कुछ स्टेप करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी फीचर, यहाँ पर चैट कर सकते हैं आप। चैट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे आपकी सारी चैट्स ओपन हो जाएंगी। और अगर आपको अपनी होम पर हम दोबारा जाएँ, तो अगर आपको अपनी प्रोफाइल स्विच करनी है तो यहाँ पे आप स्विच का ऑप्शन दिया है। तो इससे एक टाइम पे आप बहुत दो अकाउंट खोल सकते हैं, दो अकाउंट आप खोल सकते हैं एक टाइम पे। और अगर जो आपको अपनी प्रोफाइल आप लॉग आउट करनी है तो आप इस तरीके से लॉग आउट का ऑप्शन दिया है, उस पर लॉग आउट क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल लॉग आउट हो जाएगी। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।